Okay, you're welcome back. The poem which we wanted to share with you, उसमें बस सिर्फ चार लाइंस हैं. नाम का तर्जुमा क्या करूँ? Names. Poem का नाम है Names. God taught the earthly Adam to name all things, although he taught the angels only what he wanted them to know. सच ए सिंपल पोएम के खुदा ने खुदावन ताला ने अशिया के चीजों के नाम इस्म इंसान को सिखाए, रिकग्निशन सिखाई, और फरिश्ते को सब दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ अब वो फरिश्ते सिर्फ वो सीख सकते हैं जितना उनको अल्लाह ने अलाउ कर रखा है. ये बड़ी सूरह बकरा की अगर आप आयत नंबर 30 देखे तो एग्जैक्ट 30 और 31 प्रिसाइजली इन्हीं चीजों पे बात करती है. वो इस काला रब्बू का लिल मलाइका थी इन्हीं जायल उन फिल अर्ज़ खलीफा, कि है जब मलाइका ने कहा कि अल्लाह ताला ये तो नीचे जाके फसाद करेगा इंसान, तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी आयत के आखिर में फरमाया काला इन्नी आलमु माला तालमून, और तुम नहीं जानते, हाँ मगर सिर्फ जो हमने तुम्हें बता रखा हो बस आप उतना ही जानते हैं, ये फसाद करने वाला नहीं है. और फिर उस आयत के से आगे जो वर्स 31 है वो इसी बात से शुरू होता है जो इस पोएम का नाम है नेम्स. व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम को अशिया के नाम सिखाया. ना दिस इज स्केरी, क्या हो सकते हैं नाम, और ये कैसा इल्म हुआ जो फरिश्तों के पास नहीं है. कल रात भी एक करीबी दोस्त फवाद साहब के साथ बैठे, इस पे बात हो रही थी. वी रिकग्नाइज एवरीथिंग, हम कायनात की हर शय को नाम दे देते हैं, हमें सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाके उससे आगे जो हिग्स फील्ड मिली उसका भी हमने नाम हिग्स पे रख दिया, बोजन पार्टिकल का नाम भी बोजन रख दिया, चिड़ में उसका नाम गॉड पार्टिकल. वी रिकग्नाइज थिंग विद ग्रेट प्रायोरिटी. उससे भी बढ़कर अगर आप देखें कि ये मेरे घर का कमरा नहीं जहां मैं बैठा हूं, ये स्टूडियो है, लेकिन मैं कितना क्विकली सारे स्टूडियो को आइडेंटिफाई कर लेता हूं. माइक, एलसीडी, वॉच, क्लॉक, डोर, मिरर, पैनाफ्लेक्स, एलईडी, अ मग, अ ग्लास, अ रिमोट, अ टेलीफोन. हाउ क्विकली मैं अपनी जिंदगी की एलिनेशन दूर कर लेता हूं. आप खा पेरिस चले जाएं, आप खा ब्रसल्स चले जाएं, आप खा सिडनी चले जाएं, यू कैन किल द एलिनेशन वेरी क्विकली बाय आइडेंटिफाइंग थिंग्स. मैं आजकल इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा थीसिस भी, एक रिसर्च पेपर भी लिख रहा हूं कि सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी और इस्लाम में जब हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह कुरान हमें ये समझाता है ताकि मीनिंग पैदा हो, मीनिंगफुलनेस पैदा हो चीजों के अंदर. अगर आप अशिया को रंगों में बांट दें, डाइवर्सिफाइड चीजें हैं, हेटरोजेनस चीजें, अपने रंगों में बांट दें, तो आप उनको उनके अंदर मीनिंग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. आप बांट किसी डिसफंक्शनल नीयत के तहत नहीं कर रहे, किसी बुरी नीयत के तहत नहीं, यू आर जस्ट डाइवर्सिफाइंग देम इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ग्रेटर मीनिंग. डिफरेंट क्लैंस, कबाइल, जात, मुख्तलिफ तरह के जानवरों का जिक्र मिलना सिर्फ इसलिए है कि आइडेंटिफिकेशन पैदा हो और मीनिंगफुलनेस पैदा हो यूनिवर्स के अंदर. एक था निगाह तूने हजार करके हमें दिखाया, सो वी कैन फाइंड अ बेटर मीनिंग. और जब हम इस नज्म की तरफ देखते हैं तो वो भी ये कहती है कि फरिश्ते तो सिर्फ वही जानते हैं जितना उन्हें बता दिया गया. इंसान प्रोग्रेस कर सकता है, आसमान फाड़कर आगे निकल सकता है, प्लूटो के ऊपर बने हुए दिल की तस्वीर को देख के खुश हो सकता है. एक नबियुला, तुम कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं कदम, और उनके भी नाम रख लेता है, और क्यों ना रखे भाई, उसको इतना बड़ा एजाज हासिल है कि वह अल्लामा आदम अस्मा कुल्लहा, अरे भाई मैं आदम हूं, मुझे अस्मा सिखाए गए. आई नेम थिंग्स नाउ.